राधे राधे एवरीवन, वेलकम इन चिल्ड्रंस क्लब। बच्चों, हम लोग एडिशन में को देख रहे थे पहले से। ये है एडिशन के सम्स, ठीक है। और एडिशन मींस होता है प्लस करना, जोड़ना, इंक्रीज करना, ठीक है। दो कोई भी दो नंबर्स को और दूसरे दो नंबर्स के साथ इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, ऐड कर देना, जोड़ देना, ठीक है। और एडिशन का साइन होता है ये, इस तरह बनता है, और एडिशन के साइन को बोलते हैं प्लस, ठीक है। और इसका मींस भी आपने समझ लिया, इंक्रीज होना, बढ़ना। कोई दो चीजें हैं, कोई और तीन चार चीज आ गई, उन सबको मिला लिया, इसको भी मिला लिया और उसको भी मिला लिया, ये मतलब होता है, ठीक है। तो हम सम्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले है थ्री। हमने दो तरीके बताए थे आपको, फिर से हम दो दो तरीके आज इसमें रिपीट करते हैं। पहला है कि ये जितना नंबर लिखा है उतनी हम लाइंस कर लें, ठीक है। लाइक ये थ्री है, वन टू थ्री, और ये फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव। हमने अभी बताया था कि इसको भी शामिल कर लेना और इसको भी शामिल कर लेना, इन सबको मिला लेना, इन सबको मिला के काउंट कर लेना। अब इन सबको मिला के हम काउंट करते हैं, करते हैं स्टार्ट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितना आया? एट। और फिंगर्स पे कैसे बताया? फिंगर्स पे कैसे होता है? जैसे ये पहले थ्री है तो हम इसी तरह से थ्री फिंगर्स उठाते हैं, वन टू थ्री। अब फाइव है तो अब हम ये फाइव फिंगर्स उठाएंगे, थ्री तो ये एज इट इज रहेंगी, थ्री इनको नहीं गिनेंगे। अब ये फाइव निकालते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, इतनी हो गई जाके। अब सबको ऐड करते हैं, इस वाली भी और ये वाली भी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अगेट। अब एट को यहां पर एट लिख देंगे, थ्री और फाइव का हमने एडिशन किया तो आया एट, ठीक है। और अब हम देखते हैं ये क्या नंबर है, टू। टू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू लाइन, टू के लिए टू लाइंस, वन टू, और ये क्या है, सिक्स। सिक्स के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स लाइन हो गई। अब हमने बताया था अभी इन सबको मिला के पढ़ेंगे, इन सबको अलग अलग ना करके एक साथ मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितना आया? एट। और उंगलियों में हम कैसे, फिंगर्स पे कैसे गिनते हैं? पहले क्या है, टू, वन टू, फिर क्या है, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब सबको ऐड करते हैं, सबको मिला लेते हैं ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ऐसे भी एट आया था और फिंगर से भी गिनने में एट आया था। तो आपको जो ज्यादा इजी लगे आप उसको करो, और जो कम इजी लगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगे, उसकी खूब प्रैक्टिस करो। करेंगे बेटा आप दोनों लोग, आपको दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। अब हम अगले नंबर पहुंचे, पहले क्या है, सिक्स। सिक्स के लिए हम क्या करेंगे, सिक्स लाइन करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये क्या है, थ्री, वन टू थ्री, ठीक है। अब सबको काउंट करते हैं एक साथ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन आया, कितना आया, नाइन आया। ऐसे हम अगर फिंगर्स को अपनी काउंट करते हैं तो पहले क्या करते हैं, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब सिक्स के नीचे क्या है, थ्री, वन टू थ्री। अब सबको काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अगेन नाइन। ऐसे भी नाइन आएगा, वैसे भी नाइन आएगा। और बच्चों आप
जो सरल लगे आपको, जो इजी वे लगे, आप दोनों तरीकों को सीखिए और दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, अगले सम्स पे पहुंचते हैं। अगला सम्स हमारे पास है पहले सेवन। सेवन के लिए क्या करेंगे हम, सेवन के लिए सेवन लाइंस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर क्या करेंगे, टू लाइंस 1 2 फिर क्या करेंगे, सबको एक साथ काउंट कर लेंगे, इन सबको एक साथ काउंट कर लेंगे। अब इसमें ये देखिए, फिर से पूरा गिनना नहीं पड़ेगा, ये सेवन था तो हमने तो सेवन लाइन करी थी और टू और इंक्रीज होगा। सेवन तो ये है ही, सेवन के बाद क्या आता है आप ये थोड़ा सा ध्यान करो। अब आप क्लास वन में पहुंच गए हो, क्लास वन के बच्चों का ये सम्स है, तो क्लास वन के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, प्रैक्टिस हो चुकी होती है, इसलिए ये सेवन तो हो गया। सेवन के आगे गिनेंगे, ऐसे 1 2 3 4 नहीं पूरा गिनेंगे, इसको बोलेंगे तो सेवन है, 8 9 ये सेवन, सेवन के आगे 8 9 आगे 9 और इसको फिंगर्स पे कैसे गिनेंगे, सेवन है 1 2 3 4 5 6 7 सेवन के बाद 2 1 2 हो गया। अब सबको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फिर आ गया। ठीक है, राइट डाउन हियर 9। अब ये क्या है, 5 और 5 दो बार 5 आ गया, कोई बात नहीं, 5 के लिए हम 5 लाइन करेंगे 1 2 3 4 5 फिर 5 है 1 2 3 4 5 ठीक है। अब हम ये तो जानते ही हैं कि ये 5 है, ठीक है, 5 के आगे गिनते हैं, 5 के आगे क्या होता है, 6 7 8 9 10 ये कितना हुआ जाके 10। अब 1 2 3 4 5 अब सबको एक साथ मिला के गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गया। अब यहां पर हम 10 लिख देंगे, 10 कैसे लिखा जाता है बच्चों, याद आया, 1 0 10 1 0 10 ठीक है। अब इस सम्स में क्या है, सबसे पहले 3, हम यहां पर 3 लाइन करेंगे 1 2 3 ये है 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब 7 खींच ली, अब सबको ऐड करना है, सबको ऐड करने का मतलब क्या है, इसको भी गिनना है और इसको भी गिनना है, तो ये तो पता ही है 1 2 3 ये 3 है, आप 3 के आगे 4 से गिनोगे, ठीक है, 3 तो है, 3 के आगे बोलो 4 5 6 7 8 9 10 ये फिर से आ गया 10। हम उंगली पे काउंट करते हैं 1 2 3 पहले 3 है, हमने 3 कर लिया, अब 7 है 1 2 3 4 5 6 7 और सबको फिर मिला काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें भी 10 आ गया। ठीक है, और अब हम लोग यहां पर भी 10 लिख देंगे 1 0 10 ठीक है। बच्चों इसमें जो भी परेशानी हो रही हो, यदि कहीं भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज इसे कमेंट्स करके पूछ भी सकते हो, और अगर ये मेथड बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे ये भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे चैप्टर्स, सारे तरीके आप सीखते जाओ, ठीक है, और इजी वे में सिखा रहे हैं। ठीक है, कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स करके पूछना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।